नंबर 12 करना। इन्हें चापा जिम्मे 11 नंबर शीट के टॉपिक सी की सीगे स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रेपीजियम होर ट्रायंगल इन्हों के सरफेस एरिया के वॉल्यूम नू समझना उवे ही इन्हें च आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज नाल रिलेटेड सिलेंडर नाल रिलेटेड क्वेश्चंस करने। ठीक है, दिते गए चित्र विच सम चतुर्भुज एबीसीडी दा खेत्रफल पता करो। आकृति दिती है, खेत्रफल पता करना है। एसी किन्नी दिती है? 6। बीई 4। हुण आपां पूरी शकल दा खेत्रफल पता करना है। पहला मेनू एकदा का सवाल आप कल किया पूरी आकृति दो हिस्सा च वंडता इस लाइन दोवें शक्ल के हो गई ट्रायंगल किन्ने ट्रायंगल हो गए दो एक बेटा एक हाँ से पूरा इन आए नहीं मनिया पूरा मनिया दो ट्रायंगल हो गए जी। आप ट्रायंगल का खेत्रफल किया सी 1/2 गुना आधार गुना लंब है ना। हुण ए ई सी का आप खेत्रफल लिखन लगे 1/2 आधार गुना लंब। अच्छा हुण आधार किन्ना है इस ट्रायंगल का आधार आही फर्श होगा 6। लंब मैं दसिया सी केड़ी लाइन होनी चाहिदी है सीधी ते सीधी लाइन किन्नी दित्ती है 4। इत्थे हुण सीधी लाइन दित्ती होई है 4। हुण 2 दे टेबल ते केड़ा कट्टा 6। किन्ने नंबर ते 3 ते किन्ना जवाब आ गया 12। सिर्फ इस अद्धे इक ट्रायंगल का जवाब 12 आ गया। हुण इह दूजे ट्रायंगल का जवाब कढ़ना है। सम चतुर्भुज जेड़ा होंदा है रोम्बस उन्दे च एक चीज होंदी है कि जेड़ा आहा लंब है ये बराबर ही अगे जाता है। जे इधर 4 है तो इधर भी 4 ही होगा। समझ लग गई? इधर जे 4 है तो दूजा हिस्सा भी ना 4 ही होगा। तो फिर इधर भी 6-4 सीगा इधर भी 6-4 इधर भी सेम ही होगा। तो फिर 12+12 किन्ने हो गए तीजा क्योंकि इस त्रिभुज का भी जवाब खेत्र में कितना आ गया अपने को 12। इनका भी 12 का काट लिया तो जवाब आ गया। प्रैक्टिस शीट नंबर 12 उनका दूजा सवाल कर लो। बिना रंगे भाग का खेत्रफल वर्ग इकाइयां विच पता करो। आपा कल थोड़ा जा किया सी एह आकृति केड़ी है आयत के वर्ग रेक्टेंगल आयत रेक्टेंगल। हुण रेक्टेंगल दी लंबाई दित्ती है आ चौड़ाई दित्ती है आ दो हिस्से कलर किते हुए है ये बिना कलर किते केंदा इंदा बिना कलर किते वाली शक्ल दा आपा खेत्रफल एरिया कर। हुण इंदा खेत्रफल दी लंबाई गुना चौड़ाई होगी क्योंकि ए भी रेक्टेंगल है तो अनू देखन चे स्केयर वर्ग लगती होगी कि हाँ दोवें भुजावां बराबर लगती होंगियां पर हुण जदों आपां लंबाई चौड़ाई कढ़ांगे तुहानू पता चल जूगा कि लो है रेक्टेंगल। हुण देखो आ जिहड़ी साइड है किन्नी है 2। इसदा मतलब आ भी ओनी 2 होगी तां इसदा मतलब आ चौड़ाई तां 2 आ गई अपने को। हुण रह गई आ लंबाई कढ़नी पूरी उन्होंने किन्नी दिती है x+2y। आ दो हिस्से x/2 है तो इनके बीचों आ दोनों हिस्से घटा देंगे तो आ जाऊगा। हुण देखो x+2y माइनस पहला ए दोवां दा की करिए पूरी चो आ कढ़ना है तो ए दोवां दा जोड़ करांगे जोड़ करके तीन घटावांगे तो हुण x/2+x/2 ठीक है जी। तितली वाला तरीका लाइए इथे 2x+2x 4x हो गया 2x+2x 4x/4 ਦਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ x। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ x ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਆ x - x ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2y ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2y। ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਲਈ 2y / y ਤਾਂ 2 ਓਵੇਂ y / y ਮਤਲਬ y ਦੀ
एक्स खत्म हो गया क्योंकि एक्स अपने को आप दोनों जोड़ के एक्स आए थे ना, हूं आप इन्ना हिस्सा कढ़ना है इसके पूरे जो आ दोनों का जोड़ घटावे ताइया हिस्सा होगा तो एक्स कटे गया एक्स माइनस एक्स जीरो नहीं हो गए अगे इन्ना कोई नंबर नहीं एक माइनस एक जीरो समझ लग गई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करो जेडी शक्ल दिती होंदा ए पहला दसो इस एरिए नु केड़े दो हिस्सा बंडिया जी ट्रायंगल दो ट्रायंगल है एक आ रहा थे का हुन एक ट्रायंगल दी अड्ज 6 6 दिती है हां जी ते ओही इधर हां जी ते आपा एक ट्रायंगल दा एरिया कड लेंगे ओनु दो ना गुणा कर देंगे दोहा दा आ जूगा क्योंकि सेम भुजा दा सेम ही होगा हां जी दो दो बार कडन दी लोड नहीं तो फिर आंसर हुन आ की है भुजा 6 6 8 ता एस हीरो दा सूत्र ला लगे हैं तिन्ना दी की करना है प्लस 6 ते 6 12 12 ते 8 20 दस हूं अगला फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वेरी गुड लवप्रीत हूं एस का मुल दसा चो ए दसा चो छे कटाए चार ट्रिपल बी दूजा भी आ रहा
तीजा भी आ तां टोटल जोड़ के कितनी लंबाई बनेगी नवी दो लंबाई की जगह तीन बी गुना चौड़ाई की जगह बी प्लस बी की जगह बी उचाई कितनी है बी एच की जगह उचाई बी गुना लंबाई कितनी है तीन बी हूं तीन बी स्केयर हो गया प्लस आ बी स्केयर हो गया जो थलड़ी रकम सेम हो बीच गुना का निशान हो तो सिर दिया पावर की हो जाती है प्लस इथे तीनों में बी गुना बी बी का स्केयर किन्ने बी स्केयर हो गए इन अगर कोई नंबर नहीं तो की बनिया तीन ते एक चार तीन सात बी स्केयर हूं बी स्केयर सात दो की करना है किन्ना होगा चौदह बी स्केयर हूं इन्हें चौदह बी स्केयर कितने जवाब है तो दसो इन ऑप्शन हाथ खड़े करके दसनी है वेरी गुड उन्हें के अठारह बी स्केयर तो वध मेरा जवाब तो अठारह तो घट का आया इथे भी चौदह है नहीं तो इसका जवाब की है अठारह बी स्केयर पच्ची सेंटीमीटर गुना बारह पॉइंट पांच गुना सात पॉइंट पांच माप वाली कितनिया इटा पंद्रह मीटर गुना एक पॉइंट अठ मीटर सैंती पॉइंट पांच सेंटीमीटर चौड़ी कंध बनाने वरतिया जानगिया इदा का सवाल मैं एक तरीका दसिया सी ना कि जब एक चीज के उपर दूसरी चीज लानी हो मैं की क्या सी वड्डी चीज का माप उपर छोटी चीज का थले जे इटा टाइल जेडिया लानी होंगी थले होना चाहिए एक गल यानी कि आह बटे सिंपल है पर एक गल देखने वाली है इतने तीनों सेंटीमीटर है इतने आ दो मीटर है आ सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ज्यादा सेंटीमीटर वाली रखना तब आए दो सेंटीमीटर च बदलना एक सेंटी एक मीटर किन्ने सेंटीमीटर जिन्ने नंबर थले ओनिया जीरो आ जीरो जीरो सही बोलिया समझ लग गई हूं पच्ची सेंटीमीटर माप वालिया किन्निया इटा इस चौड़ी कंध यानी कि आ माप कंध दा ते आहा माप वालिया किन्निया इटा मतलब इट का माप आहा है कि होगा पंद्रह सौ गुना एक सौ अस्सी गुना सैंती पॉइंट फाइव थले पच्ची गुना बारह पॉइंट पांच गुना सात पॉइंट पहला पॉइंट बना लगे पॉइंट बनाऊंगी तो पॉइंट मगर किसे रखना एक जीरो उल्ट पास लगे जो पॉइंट थले जीरो कितने लगनी है आवी पॉइंट बनाता जीरो आवी पॉइंट बनाता इंदा जीरो आ दस दिया दस कटिया हूं करिए भाग दसो पच्ची भाड़े दे डेढ़ सौ जाता पांच दे भाड़े दे पच्ची पांच नंबर दे पांच सी या पंद्रह मगर की आ गया तीन सौ पांच एकम पांच पांच छी का तीह ते मगर की आ गया अठ हुन पांच दे भाड़े दे कटिया पांच दूनी दस पांच पांच पंद्रह पांच दे भाड़े दे सठ किन्ने नंबर दे बारह दे फिर पांच दे भाड़े दे पांच एकम पांच पांच तीया पंद्रह छत्ती आ गया हूं आप भाड़े दे पांच एकम पांच पांच दूनी हूं फिर आप भाड़े कटिए पांच पांच एकम पांच पांच पंद्रह का ते किन्ने दे जाऊगा पांच सात पैंती पांच पांच पच्ची हूं पंद्रह दे भाड़े दे पचहत्तर किन्ने नंबर दे हूं थले कोई रकम बची नहीं उपर की बचा बारह गुना
छत्ती गुना पांच गुना दो पांच दूनी दस दस बारह गुना छत्ती गुना दस हूँ बारह से छत्ती नौ बस की करिए मल्टीप्लाई करो गुना छत्ती ते बारह छे दूनी बारह तीन दूनी छे ते सात एक छीका छीका एक तिया तिया दो छे छे बारह से तेरह तो चार सौ बत्ती ते मगर की लानी है जीरो यानी कि तरतालीस सौ भी ब्लॉक रखने एक बक्सा बनाने एक फर्म चुनी गई है मतलब कहते किसे स्कूल ने छोटे बच्चों के ब्लॉक्स नहीं होंगे उन्होंने ए बी सी डी एक ब्लॉक बने होंगे ना लकड़ के अंदर एक डब्बे च रखना और डब्बा बनाने उन्होंने एक कंपनी नु एक दिता कि तुसी साडे लई 100 डब्बा बना के दे फार्म नू इस काम लई इसलिए चुनिया गया है कि वो बक्से बनाने लई घट तो घट समग्री की वरतों करके पैसे की बचत करते हैं फार्म जानती है कि बक्से का आयतन 18 सेंटीमीटर होना चाहिए है हेठा बक्से बनाने लई संभव माप दिते गए हैं फार्म हेठा दिते विकल्पों विचों किस नू चुनेगी ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 18 ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 18 ਕਿੰਨਾ ਦੂਜੀ ਅੱਠਨੀ 8 ਦੂਨੀ 8 ਦੂਨੀ 10 16 ਇਹ ਤਾਂ 18 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਦੂਜੀ ਅੱਠਨੀ 15 ਇਹ ਵੀ 18 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 9 ਦੂਨੀ 18 ਇਹ 18 ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ सरफेस एरिया देखांगे अकनाव दा आपां देखांगे लंबाई चौड़ाई बड़ाई पहला पहले दा लंबाई कितनी है एक चौड़ाई दो चौड़ाई नौ लंबाई गुना चौड़ाई एक दुना दो फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई दो नाया 12 प्लस ऊंचाई गुना एक नाया 12 ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 29 ਹੋ ਗਏ 29 ਦੂਣਾ 58 ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ 58 ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ 58 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੇ 58 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਇਧਰ ਇਹ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ 6 ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ 9 ਅੱਗੇ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ 6 ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 21 42 ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ 42 58 ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਕਥਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਇਤ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੰਬ ਸਮਦੋ ਭਾਜਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਮਦੋ ਭਾਜਕ ਮਤਲਬ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ ਆ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਇੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥੀ ਮੈਂ ਜੀ A B C D ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ A B C D ਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਜੀ 5 ਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 5 ਸੀ ਡੀ ਕਿੰਨਾ 8 ਏ ਪਲੱਸ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ 180 ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਸਮਲੰਬ ਹੈ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜ ਆ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਆ 5 ਹੈ ਤੇ 8 ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਐਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ 5 ਤੇ 8 8 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ A B C ਤੇ D
हमेशा चीज नू देखो बनाओ फिर पता चलता है। अठ ते पंज सही बन गया तां केड़ी है समलंब कहिंदा वर्ग ए बी सी आ ए बी सी डी दा एक वर्ग बना दो मेरा थोड़ा टेढ़ा बन दे विकर्ण एक दूजे नू आ रहे विकर्ण एक दूजे नू ओ ते कटदे ने इत्थे ओ कटदे कहिंदा दसो ए सम दो बुझी संकोनी है मतलब आ दोवें दा बराबर हुंदे ही हुंदे है ए वर्ग विच ते आयत दी ए खासियत है कि जेड़ी अंदर दी लाइन है उन्हां दे अद्धा अद्धा हिस्सा आपस च हुंदा है बराबर पर हुण जिवें आपां कीता आपां इत्थे कहा सी कि आयत दे इत्थे 90 डिग्री दा कोण नहीं बनदा पर वर्ग दे विकर्ण च 90 डिग्री दा कोण बनदा ता इसदा मतलब ए केड़ी आयत होगी केड़ी होगी समभुजी ते समकोण क्यों क्योंकि आहा दोवें भुजां आपस की हो गईयां बराबर ते आ 90 डिग्री दा कोण हो गया जिस त्रिभुज दियां दो भुजावां बराबर होन ओनू आपां आइसोसेलिस ट्रायंगल ते सम दो भुजी कहिंदे ने ते नाल 90 डिग्री दे कोण करके केड़ी होगी समकोणी। 11वें सवाल दा फार्मूला ए याद करना है कि n भुजावां वाले बहुपद विच विकर्णां दी गिनती किन्नी होवेगी n n माइनस 3/2 मतलब आ जिवें कि शक्ल विकर्ण अंदरलियां लाइन इनदे अंदर किन्नियां लाइन है चार दो है ना ता ओवें जिन्नियां मर्जी ए चार भुजावां वाली है उस हिसाब नाल चार 4 - 3/2 यानी कि 4 × 1/2 दो दे भाड़े 4 कटिया 2 ए चार भुजावां वाली दे अंदर लाइना किन्नी है 2 ए अंदर दी लाइन नु आपां विकर्ण ते डायगोनल्स कहने ओवें कहंदा जे कोई होर 6 भुजावां वाली होवे तां उंदे अंदर विकर्ण किन्ने होणगे उंदे लई आ फॉर्मूला समझ लग गई।